इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, माता श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। हमारे संकलिष्टता का कारण बन सकता है और दुर्गति में ले जाने वाला है। वही एक विकल्प जब समीचीनता को प्राप्त होता है तो वो विशुद्धि का कारण बन जाता है, और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे उस विशुद्धि से केवल की उत्पत्ति करा देता है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ध्यान और पूजा में क्या भेद है एवं इनकी पात्रता किसको प्राप्त होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो ध्यान और पूजा ये दो बातें बताएं, उस हकदार या उन क्रियाओं को करने के निमित्त से भी और उन दोनों में भी बहुत अंतर आगम के परिपेक्ष में बताया। जो अपने चित्त को, मन को एकाग्र करते हुए किसी एक विषय में लगाना, उसका नाम ध्यान कहा है। और जो अष्टद्रव्य के माध्यम से देव, शास्त्र, गुरु, नव देवता आदि आदि की जो भक्ति पूर्वक, आराधना पूर्वक अष्टद्रव्य के द्वारा जो आराधना की जाती है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने पूजा कहा। इसी विषय में आचार्य कुंदकुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावे धम्मो न सावया तेन विना, झाण झैणम जदि धम्मो न साधम साहम तहेवी। अभिप्राय यह है कि दान और पूजा, इसका कर्तव्य श्रावक के लिए बताया गया है, और जो श्रावक दान पूजा नहीं करता है वह श्रावक ही नहीं है। साथ साथ ध्यान और झैणम यानि ध्यान और अध्ययन वह एक साधु का कर्तव्य है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का यह कर्तव्य है, और उसके अभाव में वह साधु साधु भी नहीं है अगर ध्यान अध्ययन नहीं करता है। तो इस गाथा से ये स्पष्ट बात हमें समझ में आती है कि पूजा का अधिकारी श्रावक बताया गया है और ध्यान का अधिकारी एक निर्ग्रंथ मुनि बताया गया है। इसलिए इन दोनों में ये उन दोनों के आद्य कर्तव्य है। हाँ, श्रावक की पूजा के लिए साधु प्रेरणा दे सकता है और ध्यान करने का अभ्यास श्रावक भी कर सकता है, पर मुख्य रूप से उस कर्तव्यों की मुख्यता इन दोनों में परिपूर्ण रूप से विभाजित की गई है। अष्टद्रव्य के द्वारा जो द्रव्य पूजा आदि भाव पूजा करने का व्याख्यान प्राप्त होता है वह श्रावकों के लिए कहा गया है, और जो एकाग्र चित्त से अपने मन को किसी एक विषय में लंबे समय तक लगा लेना, इसे ध्यान कहा, वह साधुओं की, श्रमणों की मुख्यता से कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिलचंद जैन अनोरा, ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, भगवान की प्रतिमा हाथ पर हाथ रखकर एवं पैर पर पैर रखकर ही क्यों बनाई जाती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम ग्रंथों में कई प्रकार के आसन बताए गए, और उन आसनों में खड़गासन, पद्मासन, वीरासन, गवासन आदि इन अनेक प्रकार के आसनों में से कुछ विशेष आसनों में ही तीर्थंकर भगवान ने मुक्ति को प्राप्त किया। जैसे वर्तमान 24 तीर्थंकरों के विषय में आता है कि
कुछ तीर्थंकर खड़गासन से मुक्ति को प्राप्त हुए, कुछ तीर्थंकर पद्मासन से मुक्ति को प्राप्त हुए। जो हाथ पर हाथ पैर पर पैर रखने की परंपरा या आसन है उसे पद्मासन कहा जाता है, और जो खड़े होके हाथों को लटकाते हुए दोनों पैरों में चार अंगुल का अंतर रखे जो प्रतिमा बनाई जाती है या उस आकार को या उस योग को प्राप्त किया जाता है उसे ही खड़गासन कहा जाता है। इसलिए खड़गासन प्रतिमाएं और पद्मासन प्रतिमाएं इन दोनों के अभिप्रायों को और उनसे प्राप्त होने वाले उपदेशों को हमें इस प्रकार से समझना होगा कि जो पद्मासन में बनाई गई प्रतिमाएं होती है वह हाथ पर हाथ और पैर पर पैर इसलिए रखे के बनाई जाती है कि भगवान हमें उस प्रतिमा के द्वारा या उस पद्मासन के द्वारा ये अभिप्रेत कराना चाहते हैं या बोध कराना चाहते हैं कि दोनों पैरों का प्रयोग मैंने संसार में अनेक स्थानों में अनेक गतियों में अनेक पर्यायों में घूमने के लिए कर लिया। मैंने जो जो पर्याय प्राप्त की उस प्रत्येक पर्याय में उन दोनों पैरों से मैंने बहुत सारा कार्य चलने का किया, पर कहीं भी मुझे सुख शांति नहीं मिली। अब मैं पैरों का काम रोकते हुए पैर पर पैर रख के बैठा हूँ और साथ में जो हाथ पर भी हाथ रखे हैं उसके पीछे भी कुछ ऐसा ही कारण है कि जीवन में कई पर्याय में हमने हाथों से अनेकानेक कार्य किए पर उन अनेकानेक कार्यों में मुझे सुख शांति नहीं मिली। वास्तविक सुख शांति हाथ पे हाथ रखने से ही मिलती है, सभी कर्तृत्व भावों से सभी कार्यों से संसार के कामों से विरक्त होने से ही हमें सुख शांति का वेदन हो सकता है। और इसी कारण से वह जो पद्मासन में बनाई गई प्रतिमाएं हैं वह हाथ पर हाथ और पैर पर पैर बनाकर रखी दिखाई जाती है। ये एक तो कारण ये पद्मासन में बनाई जानी प्रतिमा है और दूसरा कारण भी मैंने आपको बताया, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए दादावाड़ी कोटा राजस्थान से हमारे सामने हैं श्रीमती कमल जैन अपने ऑडियो मैसेज के साथ। मैं श्रीमती कमल जैन कोटा से 108 श्री सुप्र सागर जी महाराज 108 श्री प्रण सागर जी महाराज को मेरा और मेरा पूरे परिवार का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है कि 14 कुलकरों के वर्णन में आया है कि कल्पवृक्ष जब मध्य पड़ने लगे तब उनमें कुलकर ने हाँ और माँ कहकर चंता को संबोधन किया, तो हाँ और माँ का क्या अर्थ होता है? कृपया कर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। जो 14 कुलकरों के निमित्त से ये व्याख्यान आपने पढ़ा है, शायद पढ़ते समय कुछ पंक्तियों और अर्थों को समझते हुए कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे या भ्रम आप में उत्पन्न हुआ। कुछ पंक्तियों को पढ़ने में कुछ पंक्तियाँ छूटी हो या कुछ किसी कारणवश वह परिपूर्ण रूप से सत्य को आप समझ नहीं पा रहे। जो 14 कुलकर होते हैं या थे, उन 14 कुलकर ने उस न्याय व्यवस्था बनाने के लिए वह दो शब्दों का प्रयोग किया था, ना कि सामान्य जनता को समझाने के लिए हाँ माँ आदि का प्रयोग किया था। 14 कुलकर के बाद जो आदिनाथ हुए उन्होंने हाँ माँ और अधिक ये न्याय की व्यवस्था बनाई। ये जितने भी शब्दों का प्रयोग हाँ माँ और अधिक है वह परिपूर्ण रूप से एक न्याय व्यवस्था बनाने के लिए किया गया है, ना कि मात्र जनता को हाँ माँ इन शब्दों से कुछ उपदेश दिया है। उस उपदेश के साथ साथ वहाँ पर न्याय दंड की व्यवस्था, यानी किसी ने कुछ अपराध किया तो उस अपराध के निमित्त से ये तीन शब्दों की न्याय और दंड व्यवस्था कुलकरों ने बनाई थी, जो कि 14 कुलकर ने हाँ और माँ ऐसा उस न्याय दंड के निमित्त से उपदेश दिया था, ना कि मात्र हाँ और माँ करते हुए कुछ अन्य उपदेश दिया था। वहाँ पर जो हाँ शब्द है, यानी कि हाय शब्द, यानी आपने जो अपराध किया है, हाय आपने ये क्या किया, हाय आपने ये गलत किया, हाय आपने ये किया था अच्छा नहीं किया, इस अभिप्राय से पहला शब्द हाय ऐसा कहा, उसका संक्षेपीकरण शॉर्ट फॉर्म हाँ लिखा गया। फिर उसके बाद
उस उतनी दंड व्यवस्था होने पर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, पुनः पुनः दूसरी गलती करता है, तो उसके लिए दूसरी दंड व्यवस्था या आगे बढ़कर दंड व्यवस्था बनाते हुए उन्होंने दूसरी व्यवस्था या दूसरा शब्द कहा जो था धा माँ। माँ का मतलब होता है माँ यानी मत करो, ना करो। ना करने के अभिप्राय से, मना करने के अभिप्राय से, मना इस कार्य को करने के लिए वहाँ पर माँ इस शब्द का प्रयोग किया है। वह माँ नहीं है अपितु माँ, यानी मात्र माँ को एक काना लगाते हुए, आ बड़ा करते हुए, माँ ऐसा शब्द करते हुए उन्होंने उस माँ शब्द से मत करो ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया है। इसलिए ये न्याय व्यवस्था होने से, जैसे वर्तमान में हमारे भी न्याय में, शासन में न्याय दंड व्यवस्था होती है, किसी को मात्र कुछ महीने की जेल, किसी को कारावास जीवन भर के लिए, किसी को फांसी, किसी को कुछ, जैसी अनेक प्रकार की न्याय व्यवस्था है, ऐसे ही उस काल में चौधरी कुलकर ने ये न्याय व्यवस्था बनाते हुए पहला शब्द हाय आपने ये किया अच्छा नहीं किया, इस अभिप्राय से उसको कुछ बुरा लगे इसलिए हाय कहा था, पर उससे भी नहीं माने तो माँ यानी मत करो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। फिर कुलकर के बाद आदिनाथ भगवान ने जो धिक शब्द का प्रयोग करते हुए तीसरी न्याय व्यवस्था उद्घाटित की थी वह आपका धिक्कार हो। पहले शब्द से उन्होंने हाय आपने ये क्या किया क्यों किया, फिर दूसरे शब्द से उन्होंने माँ ऐसा मत करो, और धिक से आपके इस कार्य के लिए धिक्कार हो ऐसे अभिप्राय से वह दंड व्यवस्था न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने उपदेश दिया था, अन्य किसी प्रकार से उपदेश नहीं दिया था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्वाति जैन सागर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो पुरुषार्थ करने से क्या फायदा? मेरे समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान कर मेरा मार्ग प्रशस्त करें, नमोस्तु गुरु। हाँ, ये परम सत्य है कि किस्मत पहले लिखी जा चुकी है, पर किस्मत लिखने वाला कौन था उसको समझे बिना हमारा पुरुषार्थ करना नहीं करना और उसके विषय में विचार करना निरर्थक होगा। किस्मत लिखने वाला कोई भगवान, कोई मुनीम, कोई अन्य नहीं है, अपितु हमने ही अपने पूर्व कर्मों के निमित्त से अपनी स्वयं की किस्मत अपने ही हाथ से लिखी है। जो ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है, हम अपनी किस्मत कहीं से खरीद के लाते हैं, किसी ने मेरी किस्मत बना ली है, कोई किस्मत बिगाड़ने वाला है, आदि अन्य किसी भी प्रकार की जो किस्मत, भाग्य, पुण्य आदि के निमित्त से हमारे मन में भ्रम है, विकल्प है, पहले तो उन्हें हमें ठीक करना आवश्यक होगा, क्योंकि उसे समझे बिना हमारा पुरुषार्थ करना किंचित भी सफल हो ही नहीं सकता, या कथनचित व्यक्ति इसी बात को ना समझने के कारण सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, या कोई पुरुषार्थ ही नहीं होकर मात्र किस्मत की बात कहते हुए उदासीन होकर व्यर्थ में बैठा है। जो ये किस्मत, भाग्य, पुण्य आदि कहा जाता है, ये परिपूर्ण रूप से पिछले भवों में हमने किए हुए कर्मों के निमित्त से जो पुरुषार्थ थे उसके निमित्त से हमारी वर्तमान में उदय में आने वाले कर्मों का जो पिछले पर्याय में हमने आश्रय बंध किया था वही हमारे लिए आज किस्मत बन रही है। बहुत अच्छे प्रकार से हमें इस विषय में समझना होगा, हमारा पिछले पर्याय का जो पुरुषार्थ था वह हमारे लिए आज भाग्य और किस्मत बन रहा है, और आज का मेरा पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए भाग्य और किस्मत बनने वाला। इसलिए ये सर्वथा हमारा सोचना गलत है कि किस्मत जब लिख ही चुकी है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? आपके किस्मत में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा है, पुण्य पाप में क्या लिखा है, इसका बोध आपके पास या किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होने के कारण से उस भाग्य में, किस्मत में अगर ऐसा ही लिखा है कि आपको 10 बार पुरुषार्थ करना पड़ेगा और फिर 11वें बार सफलता मिलेगी, तो इस विषय में आप अज्ञान होने से अगर 10 बार आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो 11वें बार आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसलिए व्यक्ति को सतत 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 रूप से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि
पिछला पुरुषार्थ आज का भाग्य बना है और आज का पुरुषार्थ मेरे लिए आने वाले समय के लिए भाग्य और किस्मत बनने वाला। ये परिपूर्ण रूप से किस्मत लिखने वाला मैं हूँ, किस्मत बनाने वाला मैं हूँ, किस्मत बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ, क्योंकि किस्मत सुधरेगी बिगड़ेगी तो परिपूर्ण रूप से हमने किए हुए कर्म पुरुषार्थ के निमित्त से ही होगी। भगवान गुरु जिनवाणी अन्य कोई भी हमारी किस्मत ना लिखता है, ना सुधारता है, ना बिगाड़ता है। हमारी किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, सुधारने वाला परिपूर्ण रूप से अगर कोई है तो मैं स्वयं हूँ। और इसी कारण से उस किस्मत की लिखा हुआ भले ही सत्य है, होगा भी, पर उसको बदलने की ताकत भी हमारे पास अवश्य ही हुआ करती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इक्को करे दि कम्मम, इक्को हिंड दिय दिह संसारे, इक्को जाय दि मर दिय तस्स फलम भुंज दि इक्को। अकेला ही कर्म को करता है, अकेला ही उसको भोगता है और अकेला ही उस संसार में घूमता है। चाहे किस्मत कह दो, पुण्य कह दो, पाप कह दो, भाग्य कह दो, उसको बनाने वाला और सुधारने वाला, उसकी निर्जरा करके या उसको पुरुषार्थ करके बदलने की भी सामर्थ्य हम में ही होती है। अगर हमारे तीव्र पुरुषार्थ रहा तो नियम से किस्मत भाग्य भी बदल सकता है। इसलिए सर्वथा ये हमारा सोचना गलत है कि किस्मत लिखी है फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें। किस्मत हमने ही लिखी है, हमारे पुरुषार्थ के कारण ही लिखी गई है। इसलिए वर्तमान के पुरुषार्थ से हम हमारी पिछली किस्मत को और आने वाली किस्मत को, भाग्य को, पुण्य को, पाप को अवश्य ही बदल सकते हैं। इसलिए सतत सतत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती इंदिरा जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। श्री के चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री समाधि या संलेखना के समय सभी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या किस प्रकार से चिंतन में लाना चाहिए ताकि हमारी समाधि भी बहुत अच्छे से हो? नमोस्तु महाराज। समाधि संलेखना के समय में नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, ये परम सत्य। मात्र समाधि के ही समय में नहीं अपितु उसके पूर्व भी हमें इस महामंत्र की आराधना करना बहुत बहुत आवश्यक है। और उस महामंत्र की मात्र उच्चारण करते हुए माला फेरने से काम नहीं होगा, अपितु माँ उस नमोकार मंत्र के एक एक पदों के बारे में हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता। जैसे हम नमो अरिहंतानं पढ़ रहे हैं तो उस अरिहंत भगवान के प्रति, अरिहंत परमेश्वरी के प्रति, उनके गुणों के प्रति चिंतन किया जाए, उनके रूप आदि के प्रति, उनके अतिशय आदियों के प्रति हम चिंतन करें। सिद्धों का नमो सिद्धानं पढ़ते हुए आठ गुण आदि का चिंतन करें, आचार्यों के 36 गुणों के आदि आदि उन पदों का चिंतन करते हुए बहुत अच्छे प्रकार से हम उन भावों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। पर ये भी बात परम सत्य समझना, मात्र नमोकार पढ़ने से समाधि संलेखना हो जरूरी नहीं है, क्योंकि समाधि संलेखना के लिए मात्र नमोकार से पुण्य तो बढ़ सकता है, पर स्वयं के शरीर को, स्वयं के कषायों को अगर हम कृष नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, तो नमोकार पढ़ने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। नमोकार मंत्र के पढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को या आपको परिपूर्ण रूप से अपने शरीर से ममत्व को छोड़ना होगा। जो राग द्वेष रूपी कषाय हमारे भीतर घर करके बैठी है उस कषायों को भी कम करना होगा, क्योंकि समाधि का अर्थ ही अपने शरीर को, अपने कषायों को कृश करना है। और उसके लिए सहायभूत ये नमोकार मंत्र आदि आदि होते हैं, उनका परमेश्वरी का चिंतन करने से ही हमें इस समाधि संलेखना में बहुत अच्छे प्रकार से अच्छे परिणामों के साथ ही प्राप्त करना होगा। मात्र मंत्र पढ़ने से या मात्र शरीर को सुखाने से काम नहीं होगा, कषाय भी सुखानी होगी, शरीर भी सुखाना होगा, मंत्रों की आराधना भी करनी होगी, पर उस सबके साथ समता भाव रखना बहुत आवश्यक है। वही सच्ची समाधि है, आप उसे प्राप्त हो, इसी भावना के साथ आपके लिए यही सम्यक समाधान। श्रीमती सुलोचना जैन गौर झामर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान है कि जैन समाज के लड़कों की किस्मत कैसी है?
कि जेएनयू की लड़की मिलती नहीं, अदर कास्ट की लड़कियां ले आते हैं, रात में वो घर में आई, सुबह मंदिर ले जाते, परकम्मा लगवाते, जिनवाणी दे देते, द्रव चलाते, तो फिर ये कैसे संस्कार है महाराज जी? शंका का समाधान। माँ, ये किस्मत की बात नहीं है, अपितु माँ बाप के संस्कारों की कमी की बात है। अगर उसको कन्या नहीं मिलने की किस्मत थी तो दूसरे की कन्या कैसे मिल सकती है, या दूसरी कन्या मिली है तो उसे जैन की नहीं मिल सकती थी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन बातों को हम पुण्य पाप में या किस्मत पर छोड़ दे, ये किंचित भी योग्य नहीं है, क्योंकि उसका जैसा ठीक है कथनचित कुछ अंशों में पुण्य पाप सब कुछ हुआ करता है, पर साथ साथ हमें परिपूर्ण रूप से संस्कारों को प्राप्त करना या हमने दिए हुए उन बालक को संस्कारों को समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में उन युवाओं को, युवा पीढ़ियों को, लड़के लड़कियों को हर कोई कोसता है, पर उनके साथ साथ मैं उनके माता पिता को पहले कोसना चाहता हूँ कि जिन्होंने उनको व्यवस्थित संस्कार नहीं दिए हैं। सर्वथा गलती आज के युवा पीढ़ी की नहीं है, अपितु उन युवा पीढ़ियों को दिए जाने वाले उस सम्यक मार्गदर्शन की अभाव की है। जब स्वयं ही माता पिता मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, आज आप बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जाकर देख लेना, वह घर में जो बुजुर्ग है, माता पिता हो, दादा दादी हो, वे स्वयं मंदिर नहीं जाते, द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं, रात में खा रहे हैं, होटल का सामग्री सब्जी आदि घर में लाकर खा रहे हैं। आने वाले बच्चों को, आने वाले बहू को माँ आप क्या संस्कार दोगे? पहले व्यक्ति को अपना खान पान सुधारना होगा, फिर खानदान की बात करनी होगी। व्यक्ति अपने माँ बाप के या स्वयं के खानदान की तो बात करता है, पर स्वयं के खान पान को सुधारने की, स्वयं के संस्कारों को सुधारने की बात नहीं करता। इसलिए सर्वथा हर बात हम किस्मत पे ले जाए, पुण्य पाप पे ले जाए, ये किंचित भी योग्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कुछ अंशों में तो पुण्य पाप से काम, किस्मत से काम करता है, पर अधिकांश 90-80% काम व्यक्ति अपने स्वयं की सोच से और विवेक से करता है। जब तक उसके पास सच्चे धर्म के, धर्मात्मा के संस्कार नहीं है, जब तक वह उस संस्कारों का या अन्य स्थानों में विवाह आदि करने से हमारे धर्म में, खानदान में, घर में क्या त्रुटियां होगी, क्या कमियां होगी, इसके बारे में माता पिता स्वयं नहीं जानते हैं, तो संतान और आने वाली बहू कैसे समझ सकती है? इसलिए सबसे पहले आवश्यकता माता पिताओं को समझने की है। हम बच्चों बच्चियों को, युवाओं को बाहर भेज रहे हैं, झूठ बोलने वाली डिब्बी पकड़ा रहे हैं, और स्वयं हम उनके साथ बैठते हुए कभी सास बहू देख रहे हैं, कभी उल्टी सीधी टीवी की सीरियल देख रहे हैं। उनको जैसे आप देखोगे वैसे ही आने वाली पीढ़ी उन संस्कारों को प्राप्त करेगी। इसलिए पहले अपने संतानों को बहुत अच्छे से संस्कार देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे खानदान में किस प्रकार का लांछन लग सकता है आदि बातें अगर एकांत में उन बच्चों बच्चियों को, युवा पीढ़ियों को नहीं समझाई है, तो इस सभी समस्याओं का सामना आपको अवश्य करना होगा। इसलिए सर्वथा वर्तमान की युवा पीढ़ी की गलती नहीं है, कुछ अंशों में उनके माता पिता, उनके बुजुर्ग, पहले समय की मर्यादा, ये सब कुछ भूलने के कारण से ही ये वर्तमान में इतना बड़ा दुर्भाग्य सामने आ रहा है। मात्र किस्मत को कोसने से, भाग्य को कोसने से हमारे जो गलतियां माता पिता ने, बुजुर्गों ने की है, उससे छुटकारा होने वाला नहीं है। कथनचित पुण्य पाप, किस्मत, भाग्य होता तो है, पर परिपूर्ण रूप से व्यक्ति अपने संस्कारों के अभाव के कारण ही उस कार्य में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए उन संस्कारों को स्वयं प्राप्त करें माता पिता, और आने वाले संतान को भी कारण सहित समझाने का प्रयास करें कि ऐसा करने से बेटा ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। अगर उसे अच्छे से मित्र बन के समझाने का प्रयास करोगे तो ऐसा कार्य आपके किंचित भी नहीं होगा। इसलिए पहले स्वयं संस्कारित हो, उनको भी संस्कारित करने का प्रयास करें, तो ये सभी दुर्घटनाएं बच सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह बहुचर्चित कार्यक्रम का।
प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवा से प्रसारित होता है और शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके मन में उठने वाले विकल्पों को कैसे शांत किया जाए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट करिएगा 8707548811 8707548811 यह नंबर आप सेव करिएगा। इस पे व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आप जीमेल का अगर उपयोग करते हो तो जीमेल पे samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आज जितने क्वेश्चंस हुए, जितने विकल्प सम्मिलित किए गए, बाकी विकल्पों को धारावाहिक रूप से अगले आने वाले दिनों में विकल्प को समाहित किया जाएगा और आप ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते रहे। यूट्यूब चैनल सुप्रभु आज को सब्सक्राइब एवं उसका बेल आइकन जरूर दबाना ना भूले ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुनीषि के प्रवचन YouTube चैनल सुप्रभु आज पे अवेलेबल है। आप YouTube पे सुप्रभु आज सर्च कर सकते हैं और मुनीषि से जुड़ सकते हैं, मुनीषि के विचारों से जुड़ सकते हैं। मैं मुनीषि के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्री पाल शिवलाल शाह, माता श्री गुणमाला श्री पाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्री पाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्री पाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।